गाजियाबाद के शंभुदयाल कॉलेज में गंभीर हादसा हुआ है। यहां पर कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी और वहीं पर करंट आ गया, जिसमें दो कांवड़िया शिकार हो गए। हालांकि एक कांवड़िया बाल बाल बचा, लेकिन दूसरे की मौत हो गई। मृतक का नाम नानू बताया जा रहा है। घटना के बाद दूसरे कांवड़िया ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन की टीम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और हंगामा कर रहे कांवरियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कांवर लेके हरिद्वार से गाजियाबाद आए थे, जल चढ़ा नहीं था, जल कल का था, हम जल्दी आ गए। MMG अस्पताल में रुकने की सुविधा है या दूसरी है शंभुदयाल इंटर कॉलेज में, तीसरी डिग्री कॉलेज में। उसके अलावा ये लोग मंदिर वगैरह में कहीं रुकने नहीं देते, एक मिनट जल भी ढंग से नहीं चलाने देते। इतनी दूर से जल लाने का क्या फायदा, जहाँ जल भी सही से ना चढ़े। कोई बात नहीं, वो भी देख लिया। अब क्या घटना हुई? उसके बाद घटना ये हुई, हम सारे जाके आराम कर रहे थे, सात का घोड़ा जो था वो धूपबत्ती कर रहा था, वहाँ सारे पाइप जितने भी लगे हुए जिन पे कावर झुलाते उसमें करंट आ रहा था। जिसने भोले ने टच किया उसे करंट लग गया, उसके साथ एक घोड़े को और करंट लगा, झटका लग गया, घोड़ा तो छूट गया। ये घोड़ा है सामने, ये कितने भोले को करंट लगा, जिसमें से एक की मौके पे मौत हो गई, दूसरा बच गया है। उसे उठा के उसके बाद हम अस्पताल लेके आए। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं करी, चाय का कप रख के आगे बैठा था और कहने लगा 5 मिनट इंतजार करो, इसमें कुछ नहीं है। 3 ECG की रिपोर्ट निकली, 3 ECG में इसमें जान थी, चौथी निकली ब्लैंक निकली। उसके बाद वहां गए दोबारा डिग्री कॉलेज पे, बिजली वाला आया, सर ने कोई वो थे लोकेश कुमार दरोगा जी, उन्होंने बुलवाया, कह के फोन करके 10 फोन करने पे तो आया। बताइए पुलिस प्रशासन भी अकेले क्या कर लेगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, कोई ड्यूटी नहीं बनती, पुलिस प्रशासन के करने से पूरी यूपी चल जाएगी।